हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल कटलेट्स। इसके लिए मैंने लिया है चॉप्ड कैबेज, चॉप्ड कैरेट, चॉप्ड बीटरूट, चॉप्ड कैप्सिकम, चॉप्ड स्प्रिंग अनियन और इसमें ऐड किया है ग्रेटेड जिंजर और चॉप्ड ग्रीन चिली। इसके बाद हम लेंगे बॉयल्ड एंड मैश पोटैटोस 4 से 5, या आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है सेंधा नमक। आप नॉर्मल सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं सेंधा नमक इस्तेमाल करती हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सेंधा नमक लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, स्वाद अनुसार आप ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है पोहा का पाउडर, जो नॉर्मल पोहा होता है उसी को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और बस उसको ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने ऐड किया है रोस्टेड पीनट्स और इन सब को मिला के मिक्स करके एक कटलेट का बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी लम्ब्स ना रहे, और उसको इन सारे बैटर्स को मिक्स करके कटलेट का शेप दे देंगे। आप कटलेट बनाने के लिए हाथ में तेल भी लगा सकते हैं और सारे बैटर का कटलेट्स बना के तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक बोल लेंगे, उसमें लेंगे आरा रोट का पाउडर या कॉर्नफ्लोर, उसमें ऐड करेंगे नमक और पानी डाल के हम एक स्लरी तैयार कर लेंगे। स्लरी बनाते वक्त ध्यान रहे कि उसमें कोई भी लम्ब्स ना रहे, और एक मिड कंसिस्टेंसी की हम एक स्लरी तैयार करेंगे और अपने कटलेट्स को उसमें डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे या फिर सूजी पर। यहाँ पे मैंने सूजी लिया है क्योंकि मेरे पास ब्रेड क्रम्स नहीं थे इसलिए मैंने सूजी लिया है। आप चाहे तो वर्मिसली भी ले सकते हैं, जो नॉर्मल सेवई आती है उसको रोस्ट करके वो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं सूजी में कोट कर रही हूँ और सारे कटलेट्स को रेडी करके तैयार कर लेंगे। ये एक नेक्स्ट भी तैयार करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से सारे कटलेट्स जब रेडी हो जाएंगे तो हम चलेंगे उसको शैलो फ्राई करने। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं और एयर फ्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम दोनों कर रहे हैं। ये सारे कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं इसको एयर फ्रायर में बेक करने के लिए। पहले एयर फ्रायर के बास्केट को ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद आप इसमें पार्चमेंट पेपर भी बिछा सकते हैं। उसके बाद सारे कटलेट्स को इसमें रख के इसको बेक करेंगे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो चलिए इसको बेक करते हैं। ये मैंने हमने रख दिया एयर फ्रायर बास्केट को एयर फ्रायर के अंदर, और चलते हैं इसका टेम्परेचर 10 मिनट के लिए सेट करते हैं 180 डिग्री पर। तब से हम अपने बचे हुए कटलेट्स को शैलो फ्राई भी कर लेते हैं, जब से ये हमारे कटलेट्स एयर फ्रायर में बेक हो रहा है। इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ शैलो फ्राई करना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा कम ऑयल डाल रही हूँ। बीच बीच में इसको और ऑयल डाल के हल्का हल्का ग्रीस करते रहेंगे और अपने कटलेट्स को रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल ऐड करते रहेंगे ताकि वो बिल्कुल सूखा ना लगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। और ऐसे ही हम अपने सारे कटलेट्स को शैलो फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तब से इधर अपने एयर फ्रायर बास्केट को भी चेक कर लेते हैं। इसको हल्का हल्का ऑयलिंग करेंगे, बीच में निकाल कर और एक बार पलट देंगे जो हम जिस तरह से हमने कटलेट्स को रखा हुआ है। यह हमने कटलेट्स की ऑयलिंग कर दी और एक बार इसको हम पलट देंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए फिर से हम इसको एयर फ्रायर बास्केट में रखेंगे। इधर हम अपने शैलो फ्राई कटलेट्स के भी हल्के हल्के ऑयलिंग करके उसको ग्रीस कर लेंगे ताकि वो बिल्कुल सूखा ना लगे।
आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स को डीप फ्राई पसंद है, तो आप इसे डीप फ्राई भी करके अपने फैमिली मेम्बर्स को सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है और अब इसकी हम अब प्लेटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारे जो एयर फ्राइड कटलेट्स थे वो तैयार हो गए हैं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास टोमेटो चटनी थी तो मैंने उसके साथ सर्व किया है और इधर शैलो फ्राइड कटलेट्स भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा ये कटलेट्स, एयर फ्रायर एंड शैलो फ्राइड कटलेट्स, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के